Dear students, I hope you all are fine. Last time हम लोगों ने एक chapter किया simultaneous equations. Final term का एक नया chapter जिसका नाम है variation, वो हम शुरू करने जा रहे हैं. यहां लफ्ज variation का मतलब होता है किसी चीज में change आना. मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाता चला जाऊं तो फिर हम कहेंगे कि गाड़ी की रफ्तार में चेंज आ रहा है. इसी तरह जब गाड़ी की रफ्तार आप बढ़ा देंगे तो आप अपने टारगेट पर यानी अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचेंगे, और अगर आप जो है वो अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम रखेंगे तो आप अपने डेस्टिनेशन यानी टारगेट प्लेस पर ज्यादा देर से पहुंचेंगे. तो इसी पर हम लोग जो है आज बात करेंगे. ये हमारी वीडियो लेक्चर 1A है. इसके बाद वीडियो लेक्चर 1B आएगा जो इससे बिल्कुल लिंक होगा. तो आइए वीडियो लेक्चर 1A स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां बात करूंगा रेशियो की, कि रेशियो क्या चीज होती है. ये वैसे तो क्लास 7 के लेवल पे हम लोग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि आप क्लास 8 में हैं तो हम इस बात को बिल्कुल इस तरह नहीं लेंगे कि आप क्योंकि आप ये 7 में पढ़ चुके हैं तो अब हम इसको 8 में नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि बिल्कुल एक नए सिरे से इसको स्टडी करेंगे. रेशियो इज डिफाइंड एज द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू क्वांटिटीज. दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन रेशियो कहलाता है. मतलब दो चीजों के कंपैरिजन का मतलब है कि एक चीज दूसरे से कितनी कम या कितनी ज्यादा है. रेशियो का साइन जैसे आप क्लास 7 के लेवल पर पढ़ चुके हैं, ये दो डॉट रेशियो के साइन से रिप्रेजेंट होते हैं. यानी कि दो चीजों के दरमियान अगर ये हो तो हम समझेंगे कि दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है या रेशियो. मिसाल के तौर पर रेशियो बिटवीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज रिटन एज. याद रहे यहां पे लेंथ और विड्थ की बात हो रही है, एक ही रेक्टेंगल की बात होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक रेक्टेंगल की लेंथ लें और दूसरे रेक्टेंगल की विड्थ दे लें. तो सेम रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ होगी. अगर दो डिफरेंट रेक्टेंगल होंगे तो एक की लेंथ दूसरे के लेंथ से रेशियो बनाएगी और एक की विड्थ दूसरे की विड्थ से रेशियो बनाएगी. अब क्योंकि यहां पर एक ही रेक्टेंगल की बात हो रही है, आप लिखेंगे विड्थ में लेंथ रेशियो विड्थ, लेंथ रेशियो विड्थ. इसको यूं भी पढ़ सकते हैं लेंथ इज टू विड्थ. और अगर इसी चीज को आप फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो लेंथ अपॉन विड्थ भी लिख सकते हैं. आगे चलते रेशियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको याद रखना बहुत जरूरी है. रेशियो द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द रेशियो इज इंपॉर्टेंट. ए रेशियो बी लिखा जा रहा है, ये हरकिस बी रेशियो ए के बराबर नहीं होगा. यानी अगर ये 2:3 हो तो ये 3:2 हरकिस नहीं हो सकता. आप रेशियो में एलिमेंट्स की जगहों को तब्दील नहीं कर सकते. अगर ये 5:6 है और ये 6:5 है तो ये दोनों डिफरेंट होंगे और ये दोनों बराबर कभी भी नहीं होंगे. ए रेशियो बी में पहला वाला कहलाता है एंटीसीडेंट, ये एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और दूसरा वाला कहलाता है कॉन्सिक्वेंट. पहला वाला कहलाता है रेशियो के अंदर एंटीसीडेंट और दूसरा कहलाता है कॉन्सिक्वेंट. रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, ये आगे चल के हम देखेंगे कैसे. द रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड इफ द यूनिट्स आर सेम. दो चीजों का रेशियो उसी वक्त बन सकता है कि अगर उनके साथ कोई यूनिट है तो वो यूनिट सेम होने चाहिए. आइए आगे चलते. यहां पर पहले बात करेंगे प्रोपोर्शन, मीन और एक्सट्रीम की. If A ratio B is equal to C ratio D, ठीक है, अगर मैं यहां दो दो चीजों का रेशियो लूं, if A ratio B is equal to C ratio D, तो इसमें A और D जो हैं, वो कहलाएंगे extremes, क्योंकि ये equal to से दूर दूर हैं, और B और C कहलाएंगे means, क्योंकि ये equal to से जुड़े हुए हैं, ठीक है. एग्जाम्पल में 3:7 is equal to 21:49, इसमें 3 और 49 extremes हैं. 7 and 21 जो है मीन है. याद रहे मीन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 7 7 2 14, ये भी 147 आएगा, और जब आप एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 147 आएगा. यानी मीन का आंसर और एक्सट्रीम का आंसर सेम आता है. तो मीन्स आर मल्टीप्लाइड टूगेदर एंड एक्सट्रीम्स आर मल्टीप्लाइड टूगेदर. आगे चलते हैं प्रोपोर्शन. अगर दो रेशियो बराबर हुए, मतलब एक तरफ मैं लिख रहा हूं 6:11, एक तरफ लिख रहा हूं 24:44, जब आप इन दोनों तरफ को सॉल्व करेंगे दोनों का आंसर सेम आएगा.
6:11 दोनों का सेम नंबर से कैंसिल होना जरूरी है. 6:11 मजीद तो कैंसिलेशन नहीं हो सकती. जब 24:44 करोगे तो वो भी एक वक्त में मैक्सिमम कैंसिल होकर 6:11 आएगा. सेम 12:18 48:72 अगर आप 12 और 18 को एक ही टेबल से कैंसिल करेंगे तो आप 48 और 72 को भी उसी से ही कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है. अगर आप 12 और 18 को अलग टेबल से कैंसिल कर रहे हैं लेकिन टेबल सेम होना चाहिए, तो 48, 72 भी एक ही टेबल से कैंसिल होगा, शर्त ये कि टेबल सेम होना चाहिए. एक्सरसाइज 3.1 के कुछ सवालात हम शुरू करते हैं. याद रहे जो भी आपको मैं एक्सरसाइज में इस चैप्टर में आगे आने वाले चैप्टर्स में वीडियो में जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, हर हाल में वो वाले क्वेश्चंस आपको अपने कॉपी में नोट करने होंगे. जैसे इस वीडियो के अंदर जो जो सवालात है, यानी एक्सरसाइज 3.1 से लेकर ये पूरी की पूरी वीडियो के लेक्चर्स, पूरी वीडियो आपको अपनी कॉपी पे लिखनी होगी, ये कंपलसरी है. यानी कि वेरिएशन की हेडिंग से लेकर आखिर तक जब मैं जाऊंगा तो आपको पूरा का पूरा काम कॉपी पे लिखना होगा. ठीक है, 200 ग्राम टू 700 ग्राम, याद रहे मैं इन दोनों का रेशियो लेना चाह रहा हूं. शर्त यह है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी रेशियो लिया जा सकता है. 200 ग्राम रेशियो 700 ग्राम, ये देखें रेशियो से रेशियो में यूनिट्स खत्म हो जाते हैं. जैसे कि मैंने पहले बताया था, यूनिट खत्म हो गए. ये आएगा 200:700, 0 से 0 काट सकते, यह आ जाएगा 2:7. क्वेश्चन 2 पर आते, 1 किलोमीटर 600 मीटर, दोनों रेशियो में यूनिट सेम नहीं है. किलोमीटर को मीटर में बनाने का तरीका, इस वाले क्वांटिटी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें. किलोमीटर से मीटर बनाना ज्यादा आसान होता है, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 2 0 2 0 से कैंसिल हो गया, 10:6, और ये 2 5s are 10, 2 3s are 6 यहां पर आ गया. क्वेश्चन नंबर 3, एक है मिनट में, दूसरा आवर में. आवर बड़ा है, बड़े को छोटे बना दिया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 आवर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट से, तो ये हो जाएगा 60 मिनट. मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, 3 9s are and 3 20s are, मजीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती, और अगर हो रही है तो एक ही टेबल से होनी चाहिए. 600 seconds 2 hours, 1 घंटे में 3600 seconds होते हैं, तो 2 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यूनिट सेम हो जाए. सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो गए, 6:12 आ गया. इसको मैंने मजीद कैंसिल किया, 6 1s are 6, 6 2s are 12, तो 1:2 आंसर आ जाएगा. आगे चलते हैं, और तरह के इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप. एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, 25 गर्ल्स हैं. पहली बात, बॉयज कितने होंगे? 60 में से 25 निकाल दें तो आपके पास यहां पे बॉयज की तादाद आ जाएगी. अब वो कह रहे कि बॉयज का टोटल से रेशियो मालूम करें, तो बॉयज 35:60, याद रखिएगा बॉयज का जिक्र पहले, तो बॉयज पहले आएगा और टोटल स्टूडेंट का जिक्र बाद में, वो बाद में आएंगे. क्या कटिंग करके 7:12, इसका मतलब होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, अगर क्लास में 12 लड़के होते तो उसमें से 7 बॉयज होते, इसका ये मतलब है. आगे चलते, बॉयज टू गर्ल्स, तो बॉयज का जिक्र पहले आएगा, गर्ल्स का जिक्र बाद में आएगा. आप गर्ल्स को पहले नहीं लिख सकते क्योंकि बॉयज का जिक्र पहले आ रहा है. जब कैंसिल करेंगे तो ये कंपैरिजन आपको बता रहा है कि अगर 7 लड़के होंगे तो 5 लड़कियां होंगी, अगर मैं बात हो रही है. ठीक है, वैसे तो 60 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 25 गर्ल्स हैं और 35 बॉयज हैं, लेकिन कैंसिलेशन होके ये बता रहा है कि अगर 12 स्टूडेंट्स होते तो 7 बॉयज होते. यहां ये बता रहे हैं कि अगर 7 बॉयज होंगे तो 5 गर्ल्स होंगी. अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ, इन्होंने ये इस तरह दिया हुआ है, मैं लिखूंगा 2p+5, 3p+4 and 3:4 are equal, दोनों के दरमियान इक्वल टू लगा दूंगा. एक्सट्रीम कौन कौन से? ये वाले और ये 4, ये एक्सट्रीम है. 4 इससे मल्टीप्लाई होगा और 3p+4 3 से मल्टीप्लाई होगा, मीन आपस से मल्टीप्लाई होगा. जब ये मल्टीप्लाई होकर सॉल्व होगा तो हम पी को एक तरफ ले जाएंगे, आखिर में पी का आंसर आ जाएगा 4. ठीक है, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ये पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. फाइंड द कॉस्ट ऑफ, अब यहां पर आप देखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹250. पहले 5 kg की बात कर लेते, यहां 5 kg लिखेंगे, यहां पर 8 kg, क्योंकि आपका 5 kg की कीमत दी हुई है, तो मैं 5 kg का जिक्र पहले कर लेता हूं. 5 पहले लिखेंगे, 8 kg बाद में लिखेंगे. क्यों kg kg साथ लिखेंगे? यूनिट सेम होना जरूरी है, तभी रेशियो लिया जाएगा.
5 के सामने कीमत थी 250, तो 5 के सामने 250 लिख देंगे और 8 केजी की कीमत पता कर ली, उसके सामने x कर देंगे, 5 केजी से केजी कैंसिल, रुपीस से रुपीस कैंसिल हो जाएगा, 5x से मल्टीप्लाई होगा, एक्सट्रीम एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई होते हैं, और 8 250 से मल्टीप्लाई होगा, मीन टू मीन मल्टीप्लाई होते हैं, सॉल्व होके x इक्वल टू रुपीस 400 आ गया, यानी कि 8 केजी मैंगोस की कीमत 400 रुपए आ गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको एक्स रेशियो वाई पता करना है, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 10x इक्वल टू 8y। तरीका क्या होगा, मैं मल्टीप्लाई करके इसको ओपन करूंगा, x को एक तरफ ले जाऊंगा, वाई को एक तरफ ले जाऊंगा, 12x माइनस 2x हो जाएगा एंड 15y उधर चला गया, 15y माइनस 7y हो जाएगा, ये हो गया 10x इक्वल टू 8y। x रेशियो y का मतलब होता है x अपॉन y, तो इसलिए आज से y को अगर मैं नीचे कर दूंगा तो ये x अपॉन y हो जाएगा, और 8 के नीचे 10 को ले आऊंगा, 2 4 8, 2 5 10, तो x अपॉन y 4 अपॉन 5 आ गया, इसको लिख सकते हैं x रेशियो y इज इक्वल टू 4:5, यानी फ्रैक्शन वापस में रेशियो में इस तरह कन्वर्ट हो सकता है। रिपीट करता हूं, पहले आप ब्रैकेट को खोल के मल्टीप्लाई कर देंगे, x एक तरफ ले आए और y को एक तरफ ले जाए, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 8y। अब आपको मालूम करना है x रेशियो y, x रेशियो y का मतलब होता है x अपॉन y, दैट मींस कि अगर मैं y को x के नीचे शिफ्ट कर दूं तो डिवाइड हो गया, और 10 को 8 के नीचे ले आता हूं तो 8 अपॉन 10 हो गया, कटिंग करने पर ये आ गया 4 अपॉन 5, x अपॉन y बन गया x रेशियो y एंड 4 अपॉन 5 बन गया 4:5। ये जितनी भी स्लाइड्स मैंने आपके सामने देखिए, ये सब के सब कॉपी पे करना कंपलसरी है, या बिल्कुल कंप्लीट स्लाइड्स आपको एक करके रोक रोक के पहले कॉपी पे सॉल्व करनी है, फिर इसको स्टडी करना है, राइट। इसके बाद असाइनमेंट्स और असेसमेंट आएंगे, हो सकता है कि मैंने असाइनमेंट कोई ऐसा दिया हो जो वीडियो में मौजूद हो, तो उसको वापस करने की जरूरत नहीं है, एरो हेड से मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, उसी के बाद में आगे चल के असेसमेंट दूंगा, स्लैश का मतलब होता है कि आगे या तो असाइनमेंट आएगा या असेसमेंट आएगा, दोनों एक साथ ही दूंगा मैं, ठीक है। तो पूरी स्लाइड्स कॉपी करना जरूरी है, एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वीडियो लेक्चर 1A चल रही है, और पूरी स्लाइड्स कॉपी में लिखना जरूरी होंगी 1 by 1 जिस तरह मैंने लिखी, और फिर एक्सरसाइज 3.1 के सवाल आएंगे। अगर 3.1 के कुछ सवाल मैंने ऐसे एरो से मार्क कर दिए जो इस स्लाइड्स में पहले से मौजूद थे, तो उसको कॉपी में लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये सारा काम कंप्लीट कीजिए, मेहनत से काम कीजिए, अपना और पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। यहाँ वीडियो लेक्चर 1A खत्म हो गया, इसके बाद आएगा वीडियो लेक्चर 2A, इसमें भी एक्सरसाइज 3.1 ही इन्वॉल्व होगी, दो स्लाइड्स में दो पार्ट्स में तोड़ने की वजह, ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। अल्लाह हाफिज़।